कम उम्र की सांसद बनी थी रक्षा निखिल खड़से। नमस्कार, आप देख रहे हैं ghamasan.com। मैं हूं आपके साथ वागीशा और आप सभी का स्वागत है चुनावी रण में। जी, हम आपको बताते हैं कि कौन है ये सांसद जो बहुत ही खूबसूरत थी और उनका नाम था रक्षा। सबसे कम उम्र भाजपा के बागी इस राजनीति का सरपंच से सांसद तक का सफर हम आपको बताएंगे कि किस तरह सरपंच से सांसद बनी, और देखिए इस खास रिपोर्ट में। 2014 में भाजपा के सत्ता में आने की वजह से मोदी लहर के साथ महिला सांसदों का राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना भी है। बढ़ते दौर के साथ महिलाओं ने राजनीति में भी अपनी सक्रियता बढ़ाई है। रक्षा निखिल खड़से इसका एक बेहतर उदाहरण है। कम उम्र में ही रक्षा को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। महज 27 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी ससुर के कहने पर राजनीति में कदम रखा और वे महाराष्ट्र के रावेर क्षेत्र से सांसद बनी। रक्षा का जन्म साधारण किसान परिवार में हुआ था। महाराष्ट्र के कदावर नेता एकनाथ खड़से के बेटे निखिल खड़से से रक्षा की शादी हुई। एकनाथ खड़से का राजनीति में इस्तीफा देने के बाद राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने बेटे निखिल को राजनीति में उतारा, लेकिन राजनीति की शुरुआत में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सामाजिक कार्यों में बचपन से रुचि होने से 2010 में वे कोतली ताल मुत्तई नगर जलगांव जिले महाराष्ट्र की सरपंच बनी थी और 2 साल सरपंच पद पर रहने के बाद वे 2012 से जिला परिषद होने के साथ स्वास्थ्य शिक्षा और खेल समिति में जिले के अध्यक्ष में रही। पति की मौत के बाद रक्षा परिवार की राजनीतिक विरासत की जिम्मेदारी आ गई। वे अपने ससुर के कहने पर 2014 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई और 2014 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता मनीष जैन को 4 लाख वोटों से परास्त कर वे सबसे कम उम्र की सांसद बनी। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.